नमस्कार, मैं हूं गजाला प्रवीण और आप देख रहे हैं कांचा न्यूज। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देवघर में भाजपा में हो रही है गुटबाजी, कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है सम्मान, मान सम्मान के लिए कार्यकर्ताओं ने की बैठक। बरनवाल नवयुवक संघ ने धूमधाम से मनाई आदि गुरु महाराजा हरिवरन की जयंती, निकाली गई शोभा यात्रा। राजद महानगर कमेटी ने वार्ड नंबर 31 में किया बूथ कमेटी का गठन, चुने गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सचिव। और पटाखा फोड़ने के क्रम में 12 वर्षीय सूरज गंभीर रूप से झुलसा, अस्पताल में चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। देवघर के अग्रहरी आश्रम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला स्तरीय कार्यकर्ता की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में पार्टी के अंदर चल रहे गुटबाजी और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा हेतु सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। इस दौरान पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नवल किशोर राय, पंडा धर्म रक्षणी सभा के पूर्व अध्यक्ष विनोद दद्वारी, चंद्रशेखर खवाड़े, कन्हैया झा सहित दर्जनों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पार्टी के विधायक और सांसद के द्वारा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कई कमियां देखी जा रही है, जिसके कारण चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की यह बैठक पार्टी के आलाकमान तक यह बातें पहुंचाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी की अग्रहरी आश्रम देवघर में बैठक हो रही है। इस बैठक में कार्यकर्ताओं में जो रोष है जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण, उसी के लिए आज बैठक है। मान सम्मान की रक्षा के लिए बैठक है। कुल मानेंगे कार्यकर्ताओं पार्टी का रीढ़ होता है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेगी तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैं साफ शब्द में कह रहा हूँ। तो तीन राज्य का जो चुनाव परिणाम हुआ, इससे कार्यकर्ता प्रभावित है और इसी को लेकर के हम लोग सब बैठक बुलाए हुए हैं कि हम लोग कैसे लोकसभा और विधानसभा का सीट जीते। और कुछ अगर आपसी मनमुटाव है, कोई अगर कुछ किसी बात को लेकर के एक दूसरे में अगर अपने नेता से कार्यकर्ताओं के बीच दूरी है, दूरी को घटाने के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं, अभी बोल रहे हैं, लेकिन उसी समस्या का समाधान के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इसका क्या समाधान होगा, इसके लिए अगर प्रदेश से बात करनी पड़ी तो बात करेंगे, केंद्र से बात करनी पड़ी तो बात करेंगे। क्या लगता है इस मीटिंग के बाद आपके जनप्रतिनिधि हर बात सुनेंगे? सुनना पड़ेगा, नहीं तो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ नेता तो कुछ होता नहीं है। अटल जी से भारत रत्न अपने आप को कार्यकर्ता कहते थे, यहाँ कोई नेता नहीं होता, सब कार्यकर्ता हम लोग हैं। कार्यकर्ता की बात को हमारे उच्च पदाधिकारी, संगठन के लोग और केंद्र के लोग सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे, और जो कार्यकर्ता चाहेगा वही होगा। इसी के लिए चिंतन बैठक बुलाई गई है। देवघर में बरनवाल नव युवक संघ की ओर से आदि पुरुष महाराजा अहिवरन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर समाज के सैकड़ों लोगों ने गाजे बाजे के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली। यह रैली शहर के कई चौक चौराहों से होते हुए वापस बरनवाल धर्मशाला में आकर समाप्त हुई। रैली की अध्यक्षता कर रहे समाज के राजन के शशि ने बताया कि महाराजा अहिवरन की जयंती लगभग 20 वर्षों से मनाई जा रही है। साथ ही बाइक रैली के जरिए लोगों में एक संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं जयंती की संध्या बेला पर बरनवाल धर्मशाला में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसकी शुरुआत वहां मौजूद मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। ये हमारे आदि पुरुष महाराजा अहिवरन जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर पूरे बरनवाल समाज, देवघर के लोग इस रैली को निकाल रहे हैं और इस रैली के माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहते हैं यहाँ की जनता को कि कृपया दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें, ये भी एक संदेश देता है हमारा ये रैली। राजद महानगर कमेटी की ओर से निगम क्षेत्र के 31 नंबर वार्ड में बूथ कमेटी का गठन किया गया। गठन से पहले वार्ड में बैठक किया गया। इस बैठक में दर्जनों की संख्या में महिलाएं मौजूद थी। बताते चले कि राजद पार्टी लगातार संगठन मजबूती और विस्तार के लिए निगम के सभी वार्डों में बूथ कमेटी का गठन कर रही है, जिसमें 13 बूथ कमेटी का गठन अलग अलग वार्डों में किया गया है। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि राजद हमेशा गरीब गुरबा के लिए काम करती है, पार्टी के संगठन को और मजबूत करना है ताकि आने वाले समय में देवघर विधानसभा सीट पर राजद का कब्जा रहे। कमेटी की ओर से आज देवघर नगर निगम वार्ड नंबर 31 के जून पोखर मोहल्ले में एक बैठक की गई है। बैठक में कमेटी विस्तार पर चर्चा की गई, जिसमें श्री लालू प्रसाद यादव,
एवं राष्ट्रीय जनता दल की नीति सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए दर्जनों भाइयों बहनों माताओं के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किया गया और सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनता दल की नीति सिद्धांतों को जन जन तक घर घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। देवघर महानगर कमेटी की बैठक है वो 31 नंबर वार्ड में किया गया है। हमारे माननीय पूर्व मंत्री सह जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान जी की के निर्देशानुसार जो हमारा लक्ष्य है कि 36 वार्ड में वार्ड कमेटी बनाने का, तो यानी ऐसी शुरुआत आप कर दिए? शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, अभी तक हम लोग ने 12 कमेटी तैयार कर हो गई हमारी और हर वार्ड में बूथ स्तर तक हम लोग का कमेटी बनाने का जो उद्देश्य है वो जनवरी तक हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। जेडी पार्टी में हम लोग आज ज्वाइन हुए हैं, उससे जो है कि जो हम लोग जितना भी महिलाएं हैं सब उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो कि हम लोग के लिए कुछ अच्छा किया जाए और अच्छा करते रहे और हम लोग सब तैयार रहेंगे जबकि सर वही जीते और वही काम करे और हम लोग के लिए अच्छा ही करे, हम लोग भी साथ में रहने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। अगर आपको नॉन स्टिक की कुकर लेना है तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। लुमिनस इन्वर्टर चाहिए या फिर बैटरी तो हमारे रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। जूसर ग्राइंडर चाहिए या फिर घरों को सजाने के लिए सिस्का लाइट्स तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। कई उत्पादों का समागम रामा इलेक्ट्रिकल्स, महिला थाना के सामने, देवघर, झारखंड। कॉन्टैक्ट नंबर 7903718368, 7903718368। टास गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, हीरा, अनमोल रिश्तों के लिए www.zoryatas.in। Zoryatas। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जन औषधि केंद्र की सुविधा सदर अस्पताल में अब तक बहाल नहीं की गई है, जिसके कारण गरीब मरीजों को भी महंगी दवाई खरीदनी पड़ती है। आपको बता दें कि सरकार के निर्देश के मुताबिक सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों को जेनिक दवा लिखने को कहा गया है, लेकिन देवघर में इस आदेश को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ के चिकित्सक मरीजों को जेनिक दवा नहीं लिखते हैं। कोई चिकित्सक अगर दवा लिख भी दे तो मरीजों के लिए वह सर दर्द बन जाता है, क्योंकि अस्पताल में जेनिक दवा के लिए किसी तरह के काउंटर नहीं खोले गए हैं। जेनिक दवा का यहाँ काउंटर नहीं खुला हुआ है, खुला हुआ है अखाड़ा के पास, वहाँ पर तो लोग वहीं पर जाके लेते हैं। यहाँ पर अभी कोई काउंटर खुला हुआ नहीं है, लेकिन व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर खोलने की, ताकि लोगों को जेनिक दवा मिल सके। देवघर के हाथी पहाड़ निवासी 12 वर्षीय सूरज कुमार पटाखे फूटने के कारण बुरी तरह से झुलस गया। स्थिति गंभीर देखते हुए उसके परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए लाया, जहां डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा जख्मी बच्चे का इलाज किया गया। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे के चेहरे पर काफी जख्म है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। वहीं परिजनों ने बताया कि बच्चा खेलने गया था, इसी दौरान उसे पटाखा मिला और उसे जलाने के क्रम में वह जख्मी हो गया। फिलहाल जख्मी सूरज का इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में किया जा रहा है। बच्चा कहाँ पता नहीं, कने गल चलो कने पड़का खोजी लन लके और वो ग्राम आगे दिल कर लगे
ये बच्चा तो पटाखा जला रहा था, तो पटाखा मैंने जलाने क्रम में हाथ में ही फूट गया, जिसके कारण बच्चे का चेहरे पर जलन हो गया है और उसको भर्ती की आवश्यकता नहीं थी, उसको हमने ड्रेसिंग करवाया और जो भी आवश्यक दवाई लेकर के छुट्टी कर दिया है। लेकिन इसको पटाखा जलाने के क्रम में ही इसको चेहरे पर जलन उत्पन्न, इसे जला हुआ है। आँख सुरक्षित है, कान सुरक्षित है, अंदरूनी कोई जख्म नहीं है, केवल गाल, दोनों गाल और नाक झुलस गया है पटाखा जलने के कारण। देवघर जिला के सारवा में एक 5 वर्षीय बच्चा पीयूष की जहरीला पदार्थ खाने से स्थिति गंभीर हो गई है। स्थिति को गंभीर देखते हुए इसके परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां ऑन ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा बच्चे का इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि बच्चा घर में खेल रहा था, इसी दौरान घर में रखे खाद को उसने खा लिया, जिसके बाद से उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। फिलहाल चिकित्सकों द्वारा सदर अस्पताल में बच्चे का इलाज किया जा रहा है। पीयूष कुमार वर्मा एक 5 वर्ष का बच्चा, जिसके पिताजी का नाम रंजीत कुमार वर्मा है, वह तासटी सारवा का रहने वाला है। घर में कहीं आंगन में या घर के आसपास खेल रहा था, तो खेत में यूज करने वाला जो इंसेक्टिसाइड होता है वही वह खा लिया था धोखा से। तो अस्पताल में उसके अभिभावक लाए हुए थे, उसको हमने देखा है और जो भी प्राथमिक उपचार करते हुए भर्ती कर दिया है और आगे के इलाज शुरू कर दिया गया है। बच्चा सुरक्षित अभी है, होश में है, ठीक ठाक अवस्था में है, ये फिर भी उसको आगे सुरक्षित रखने के लिए, आगे देखभाल करने के लिए भर्ती कर लिया गया। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए कांचा न्यूज के साथ। नमस्कार। देवघर में भाजपा में हो रही है गुटबाजी, कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है सम्मान, मान सम्मान के लिए कार्यकर्ताओं ने की बैठक। बरनवाल नवयुवक संघ ने धूमधाम से मनाई आदि गुरु महाराजा अहिवरण की जयंती, निकाली गई शोभा यात्रा। राजद महानगर कमेटी ने वार्ड नंबर 31 में किया बूथ कमेटी का गठन, चुने गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सचिव। और पटाखा फोड़ने के क्रम में 12 वर्षीय सूरज गंभीर रूप से झुलसा, अस्पताल में चल रहा है इलाज।